वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचे 11वीं किस्त के 2000 रुपए। मोबाइल से घर बैठे कैसे चेक करें आपके अकाउंट में 2000 आए या नहीं? अगर अभी तक नहीं आए 11वीं किस्त के पैसे तो क्या करना होगा? मंगलवार को शिमला से पीएम मोदी ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी की है। किसान लंबे समय से 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या आपके खाते में किस्त आई या नहीं, और अगर नहीं आई तो क्या करना है। चलिए आपको सभी सवालों का जवाब देते हैं। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी कर चुके हैं, और अगर आपके खाते में किस्त के पैसे अभी तक नहीं आए हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 पर कॉल कीजिए और पता कीजिए आपकी किस्त किस वजह से रोकी गई है। इसके अलावा आप पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1800-11-55-266 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। साथ ही आप पीएम किसान ICT@government.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। आपकी किस्त रुकने के पीछे एक कारण KYC भी हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार कहा गया था 11वीं किस्त से पहले KYC कराना जरूरी है। आप घर बैठे KYC कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं PM-Kisan.government.in पर जाकर आप कैसे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपके खाते में किस्त आई है या नहीं। सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट PM-Kisan.government.in पर जाएं। वहां आपको दाईं तरफ फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखेगा। उस सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई डिटेल भर दें। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करें। अब आपके सामने लिस्ट आएगी, वहां चेक कीजिए आपके पैसे आए हैं या नहीं। इसके अलावा एक और जरूरी काम जिसके बिना आपको आगे किस्त में भी दिक्कत आ सकती है, वो है KYC कराना। आप घर बैठे कैसे KYC कर सकते हैं वो भी बता देते हैं। इसके लिए भी आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट PM-Kisan.government.in पर जाना है। होम पेज पर दाएं ओर KYC का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां क्लिक करें। यहां अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें और सर्च पर क्लिक करें। अब आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालें। अब गेट OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP को भरें। इस तरह से घर बैठे ही आपकी KYC भी पूरी हो जाएगी। मंगलवार को पीएम मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इस योजना के लाभार्थी हर किसान के खाते में 2,000 रुपए डाले गए हैं। अब इस योजना की 12वीं किस्त सीधा 4 महीने बाद आपके खाते में आएगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।